आज मैं बात करूंगा पावर सिस्टम मेट्राइसिस के बारे में और कल मैं बात करूंगा लोड फ्लो के सल्यूशन के बारे में ठीक है तो जल्दी से सब लोग एक बार अटेंडेंस मार्क कर देंगे यार और ज्यादा से ज्यादा बच्चों से शेयर कर देंगे अटेंडेंस मार्क करने के लिए क्या करना है लाइक like बटन दबाना है ताकि मुझे मालूम चल जाए कितने बच्चों ने क्लास अटेंड किया है ठीक है चलो लेट्स गेट स्टार्टेड लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉर दोज माई सेल्फर दो मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम माय डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज अंकित गोयल आई गॉट एआईआर आई वन टू आइज इन गेट 2018 आई वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल इन द ईयर 2013 व्हेन आई ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी इंदौर टिल डेट आई हैव ट्रेड मोर देन वन लैक स्टूडेंट इन दी ऑनलाइन इन दाइन क्लासेज एंड आई एम प्रजेंटली वर्किंग एज अ डायरेक्टर एट एन अकेडमी फॉर गेट डिपार्टमेंट अब ये सब बातें तो बच्चों मेरे बारे में आप लोग जानते ही जानते हैं लेकिन वॉट मैटर्स द मोस्ट कि ऑन दिस चैनल यू विल फाइंड द मोस्ट ऑसम द मोस्ट क्रिएटिव टीम जो आपके लिए मैक्सिमम इनिशिएटिव लेके आती है आपके हर एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद करती है और एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर आप लोगों के लिए कर देती है और हमारे इनिशिएटिव्स आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ये और कहाँ मिलते हैं ये आपको मिलते हैं अन अकेडमी स्पेशल क्लासेज में भी तो अगर आप अनकेडमी स्पेशल क्लासेस चेकआउट करोगे तो अभी हम लोग एक पूरा बैच रन कर रहे हैं जिसका नाम है नौकरी स्पेशल जिसमें हमारी पूरी टीम आपको क्वेश्चन लगवा रही है इंजीनियरिंग के कंप्लीट सिलेबस से और वहां पे हम आपको दे रहे हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन टाइमर के साथ लीडर बोर्ड के साथ तो जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस एनहेंस होगी अब देखो अगर आपको मेरा कोई भी पर्सनली फ्री इनिशिएटिव चेक करना है स्पेशल पे तो ये मेरे लिंक है यहां पे इस लिंक पे अगर आप जाओगे इसको कुछ नहीं करना ब्राउजर में वेबसाइट की तरह खोलना है तो इस वेबसाइट को अगर आप खोलते हो तो यहां पे आपको मिलेंगे मेरे सारे स्पेशल क्लास जो मैंने आज तक लिए हैं या जो फिर मैं आगे लेने वाला हूं इसके अलावा मेरे बच्चों आप चाहो तो आ सकते हो प्लस पे भी जहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास कॉम्प्रीहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स और ना सिर्फ इतना आपको मिलेगा डेली असाइनमेंट वीकली क्विज़ टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक और आपके सारे डाउट्स आंसर किए जाएंगे एक सब्सक्रिप्शन के अंदर बेटा सारी ब्रांचेज और सारे बैचेज आपको मिलते हैं वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फाउंडेशन प्लेसमेंट इंटरव्यू पी एस यू ए सेमेस्टर हर बैच मिलता है और कोई क्लास मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो इसके अलावा अगर आप आइकॉनिक के लिए जाते हो तो और ऊंची उड़ान भरते हो क्योंकि प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ यहाँ एक पर्सनल कोच मिलता है जो पूरा आपका प्लानिंग का पार्ट देखता है स्ट्रैटेजी वाला पार्ट देखता है इसके अलावा टीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं स्टडी बूस्टर सेशन आपके सारे सेशंस आपको बताया जाता है स्टडी बूस्टर के अंदर कि कैसे तैयारी करनी है जो जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तैयारी को लेके हर प्रॉब्लम का इंस्टेंटेनियस सोल्यूशन दिया जाता है इसके अलावा आपको टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस मिलता है स्टडी मटीरियल मिलता है और एक डेडिकेटेड टीम आपको मिलती है जो आपके सारे डाउट्स आंसर अब अगर यहाँ पे बच्चों आप कोड लगाते हो ना अंकित एसी तो आपको इमीडिएटली मिलता है टेन परसेंट का डिस्काउंट और सबसे अमेजिंग बात यह है कि इस कोड के साथ आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में तैयारी करते हो जिसके थ्रू आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो आपकी क्वेरीज में आंसर करूंगा आपको मैं कदम कदम पे गाइड करूंगा कि कैसे आगे बढ़ते जाना है इसके अलावा देखो यार 16 मई को हम करा रहे हैं टेस्ट, जो एकदम, बजे होगा पे जो टॉप थ्री बच्चे होते हैं उनको मिलती है हंड्रेड स्कॉलरशिप तो अगर हंड्रेड के लिए अटेम्प्ट देना चाहते हो सोलह मई यानी इस संडे को होगा स्कॉलरशिप टेस्ट और इसके अलावा देखो हमारा नए बैचेस स्टार्ट हुए 12 मई से फॉर पी एस यूज ये पी एस यू बैचेज है इलेक्ट्रिकल के पी एस यू बैचेज आपके स्टार्ट हो गए थे पांच मई से और बारह मई से स्टार्ट हुए और 2023, इसके अंदर शंकर सर ने किया circuit, तो बेटा मैं बता रहा हूं इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट फैकल्टीज है फॉर डिजिटल सर्किट इससे बेटर आपको कुछ नहीं मिलने वाला इसीलिए जल्दी से बिना सोचे समझे आ जाओ आपको बेस्ट कोर्स मिलेगा डिजिटल का सर सुबह सात बजे ले रहे हैं क्लास और ज्वाइन करते हुए कोड आप जानते हो अंकित ई अंकित ई के साथ आपकी वन ईयर फीस होती है बेटा ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी फाइव एटीन मंथ थर्टी फोर सिक्स फिफ्टी एंड टू ईर्स थर्टी नाइन सिक्स हंड्रेड आपको टू ईयर्स के लिए लेना है ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे और आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट आइकॉनिक के लिए जाओगे विद अंकित ई तो वन ईयर फीस होगी फोर्टी फाइव टू ट्वेंटी फाइव टू ईयर सिक्सटी सिक्स सिक्स हंड्रेड अगेन प्रेफर गोइंग फॉर टू ईयर ठीक है चल पावर सिस्टम मेट्राइसिस पे आ रहे हैं भाई अब देखो क्या होता है सबसे पहले तो बच्चों लाइक हिट कर देना यार शेयर कर दो मैं देख रहा हूं काफी कम जनता है और ऐसे मत करो यार एकदम इनिशिएटिव को फेल मत करो आप लोगों की अटेंडेंस से ही हमारा मोटिवेशन बनता है तो प्लीज मेंटेन दैट मोटिवेशन अब देखो एक पावर सिस्टम के अंदर यार बहुत सारी बसेस और बहुत सारी ट्रांसमिशन लाइन होती हैं अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डायग्राम के फॉर्म में दिखा पाना हर बार फिजबल नहीं होता इसीलिए जब इतना कॉम्प्लिकेटेड पावर सिस्टम बन गया जिसके अंदर हजारों ट्रांसमिशन लाइन आ गई तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक प्रैक्टिकल वे होता है पावर सिस्टम मेट्राइसिस जैसे आप जानते हो कि मैटलैब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम ही है मैट्रिक्स लेबोरेटरी मैट्रिक्स लेबोरेटरी तो मैट्रिक्स लेबोरेटरी में वो सारी कंप्यूटेशन मैट्रिक्स के बेसिस पे करता है किसका यूज करते हुए करता है मैट्रिक्स का यूज करते हुए तो मैट्रिक्स से क्या होता है बहुत सारी कैलकुलेशन इजी हो जाती हैं जैसा आप जानते भी हो आपने मैथ्स के अंदर भी देखा है कि मैट्रिक्स की मदद से इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना इज मच इजियर एंड मच फास्टर सेम वे में पावर सिस्टम का एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी इजी ठीक है अब इसके अंदर पहली मैट्रिक्स जिसके बारे में मैं बात इज़ द बस एडमिटेंस मैट्रिक्स एडमिटेंस का मतलब क्या होता है वन अपॉन इंपीडेंस या फिर ये कह सकते हो करेंट अपॉन वोल्टेज तो ये जो मैट्रिक्स है ना आपकी बस एडमिटेंस मैट्रिक्स इट गिवस यू द रिलेशनशिप बिटवीन बस करेंट एंड बस वोल्टेज ठीक है ये क्या बताता है ये बताता है डिपेंडेंस ऑफ डिपेंडेंस ऑफ बस करेंट डिपेंडेंस ऑफ बस करेंट ऑन बस वोल्टेज ठीक है ये बताता है कैसे अलग अलग बसेस पे जो करंट आ रहा है वो बसेस की वोल्टेज पे डिपेंडेंट है अब यहां पे देखो क्या होता है इना, पावर सिस्टम बस एडमिटेंस मैट्रिक रिप्रेजेंट द नोडल एडमिटेंसेस ऑफ वेरियस बसेस नोडल एडमिटेंसेस का मतलब क्या हुआ कि भाई यहां पे जो बस होती है मैंने आपको पावर सिस्टम के शुरू में भी बोला था बस इज नथिंग बट अ नोड इन अ नेटवर्क तो जो नोड होती है उस नोड की एडमिटेंस क्या होगी दैट इज शोन इन बस एडमिटेंस मैट्रिक्स ठीक है ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड टू अदर बसेस ईच बस इज कनेक्टेड टू अदर बसेज और मैं आपको यहां पे एक चीज बताऊं यार बस एडमिटेंस मैट्रिक्स के अंदर जो आपके एलिमेंट्स आते हैं जो आपकी वैल्यूज डाली जाती है मैट्रिक्स के अंदर वो काफी हद तक डिपेंड करती हैं इन ट्रांसमिशन लाइंस पे ये जो ट्रांसमिशन लाइन बसेस को आपस में जोड़ रही है ना दे विल डिटरमाइन व्हाट इज द पैरामीटर दैट विल गो इनटू द वाई बस ठीक है तो मैं लिख देता हूं बस पैरामीटर्स डिपेंड ऑन ट्रांसमिशन लाइन मॉडल ठीक है अब यहां पे देखो इसका यूज क्या है बस एडमिटेंस मैट्रिक्स का हम कहते हैं बस एडमिटेंस मैट्रिक्स का मेजर पर्पस है लोड फ्लो एनालिसिस क्या चीज है देखो जब भी सिस्टम में लोड कनेक्टेड होता है उसके कारण से हमारे सिस्टम में पावर का फ्लो होता है पावर का प्रवाह होता है पावर बहती है सिस्टम के अंदर किसके कारण लोड के कारण तो द पावर तो फ्लो ड्यू टू द लोड इज कॉल्ड एज द लोड फ्लो तो लोड फ्लो एनालिसिस का मतलब है ये चीज हमें पता लगानी होती है कि पावर सिस्टम के अलग अलग हिस्से में कितनी कितनी पावर फ्लो करती है और वहां किस मैट्रिक्स का यूज किया जाता है दैट इज एडमिटेंस मैट्रिक्स ठीक है तो हम क्या कहते हैं इट इज यूज इन लोड फ्लो एनालिसिस ठीक है लोड फ्लो एनालिसिस के बारे में ज्यादा बातें नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे अब एडवांटेजेस क्या है बस एडमिटेंस मैट्रिक्स की डेटा प्रिपरेशन इज वेरी सिंपल यहां ना डेटा निकालने के लिए बहुत इजी मेथड होता है जिसे कहते हैं डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड जहां पे कि आप नेटवर्क को देखते देखते ठीक है पूरी मैट्रिक्स बना डालते हो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी कोई दिमाग नहीं लगाना बस नेटवर्क को देखना और मैट्रिक्स लिखते चलना इतना ईजी है ठीक है यहां पे फॉर्मेशन इजी है और मॉडिफिकेशन भी इजी है यानी मॉडिफिकेशन का क्या सिग्निफिकेंस है कि अगर मान लो पावर सिस्टम के अंदर मान लो पावर सिस्टम के अंदर से अचानक से एक बस हट गई अचानक से एक ट्रांसमिशन लाइन ऐड हो गई आपने पावर सिस्टम के स्ट्रक्चर में अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन किया तो नई मैट्रिक्स क्या होगी क्योंकि पावर सिस्टम मॉडिफाइड तो मैट्रिक्स मॉडिफाइड तो मैट्रिक्स क्या होगी मॉडिफाइड वो निकालना बहुत इजी है और ये मैट्रिक्स होती है स्पार्स मैट्रिक्स स्पार्स मैट्रिक्स का क्या मतलब है इसके अत्यधिक एलिमेंट जीरो होते हैं ज्यादातर एलिमेंट्स इसके जीरो होते हैं क्यों होते हैं जीरो क्योंकि जो बस अगर दूसरी बस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो उन दोनों के बीच का एलिमेंट रहेगा जीरो बस इज नॉट कनेक्टेड टू दी अदर बस करस्पोंडिंग एलिमेंट वुड बी जीरो अगर ज्यादातर एलिमेंट जीरो हैं तो इसे सिस्टम में स्टोर करने के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप एलिमेंट तो वही ना स्टोर करोगे जो नॉन जीरो हैं बा के सारे क्या हो जाएंगे जीरो तो इट कंज्यूम्स लेस स्पेस तो हम यहां पर क्या कह रहे हैं स्पार सिटी का मतलब क्या है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मोस्ट ऑफ दी एलिमेंट्स आर जीरो और कौन से एलिमेंट जीरो होते हैं इफ आ बस इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू अदर बस टू अदर बस देन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज जीरो ठीक है भाई देन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज जीरो तो ऐसा होता है वाई बस मैट्रिक्स के अंदर जिस कारण से ज्यादातर एलिमेंट आपके जीरो ही रहते हैं क्योंकि देखो एक बस सबसे तो नहीं जुड़ेगी ना ऑब्वियस ही बात है अगर जैसे मान लो मैं बेंगलोर में जहां पे रह रहा हूं यहां अगर पावर सिस्टम की एक बस है क्या वो भारत की सारी बसेस से जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी ऑब्वियस सी बात है एक लोकल बस क्यों जाके सब में जुड़ेगी लिमिटेड नंबर ऑफ बसेस से जुड़ती है तो ज़्यादातर एलिमेंट जीरो होते हैं अब देखो ये हमने एक पावर सिस्टम दिखाया है यहां पर ये चीज़ ध्यान रखो ये क्या है ये है शंट एडमिटेंस ये शंट एडमिटेंस कहां से आती है कि भाई अगर आप ट्रांसमिशन लाइन का एक पाई मॉडल बनाए होते अगर ट्रांसमिशन लाइन का एक पाई मॉडल बनाते तो उसके बीच में आता जेड और उसके दोनों तरफ आता वाई बाई टू वाई बाई टू इसीलिए जो एडमिटेंस बस और ग्राउंड के बीच होती है उसका एक कारण होता है दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ पाई मॉडल ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन तो इसके लिए एक रीजन हो सकता है शंट कैपेसिटेंस ऑफ पाई मॉडल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ठीक है हम लोग पाई मॉडल का यूज करते हैं ये ध्यान देना पाई मॉडल का क्यों यूज करते हैं क्योंकि उसके अंदर दो ही बसेस होती हैं एक सेंडिंग और एक रिसीविंग जब आप टी मॉडल लाते हो ना तो बीच में एक नोड और ऐड हो जाती है तो वहां से बसेस बढ़ जाती हैं और जब बसेस बढ़ती हैं ना तो पावर सिस्टम मैट्रिक्स का ऑर्डर बढ़ता है साइज बढ़ता है अब आप नहीं चाहोगे ऑब्वियसली यार आप एग्जाम में क्या चाहते हो मैट्रिक्स का सवाल आए तो दो बाय दो का बन आप तो तीन तीन से भी डरते हो और मैं तो कह रहा हूं यहां पे सौ बाय सौ का मान लो डेढ़ सौ हो गया फिर क्या करोगे फिर क्या करोगे तो पावर सिस्टम का जो साइज है ना वो हमें लिमिटेड रखना है उसकी बस का एडमिटेंस मैट्रिक्स का साइज लिमिटेड रखना है तो जितनी कम बसेस रहे उतना फायदा अगला रीजन इसका हो सकता है रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर कनेक्टेड टू बस रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर कनेक्टेड टू बस ठीक है अब ये क्या मतलब हुआ सर रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर कनेक्टेड टू बस देखो हमेशा ध्यान रखना कि वाई बस जब आप बनाते हो तब आप हर वोल्टेज सोर्स को ट्रांसफॉर्म करके बनाते हो करंट सोर्स अगर आपका वोल्टेज सोर्स बन गया करंट सोर्स तो उसकी रिएक्टेंस कैसे आ गई सीरीज की जगह पैरल में वो भी ये एडमिटेंस हो सकती है ठीक है मैं लिख भी देता हूं वाइल फॉर्मिंग वाइल फॉर्मिंग वाई बस कन्वर्ट एवरी जनरेटर कन्वर्ट एवरी जनरेटर to a current source due to which due to which its admittance is connected between बस एंड ग्राउंड ठीक है उसकी जो एडमिटेंस उसकी जो रिएक्टेंस है ना वो हमारा वो हमारा कहां कनेक्ट हो जाएगा बस और ग्राउंड के बीच में अब यहाँ पे ये देखो ये जो एडमिटेंसेस नेटवर्क में दिखाते हो ना बेटा ये आप ना लोअर केस लेटर में शो किया करो अपर केस लेटर एक्चुअली क्या होते हैं दे रिप्रेजेंट द बस एलिमेंट्स और लोअर केस लेटर क्या बताते हैं एक्चुअल एडमिटेंस जो एक्चुअल एडमिटेंस है वो लोअर केस लेटर से दिखती है और अपर केस लेटर में आते हैं बस के एक्चुअल एलिमेंट्स ठीक है तो आप देखो यहां पे क्या होगा कि अगर हमें वाई बस मैट्रिक्स बनानी है तो तीन बसेस है ना तो ये थ्री क्रॉस थ्री बनती है वाई वन वन वाई वन टू थ्री वाई टू वन टू 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 थ्री इसका ऑर्डर हमेशा क्या होता है ना बस क्रॉस बस तो जितनी बसेस हैं दैट इन टू बसेज इज द ऑर्डर ठीक है एन क्रॉस एन नोड कह लो बसेस कह लो दैट इज एन तो यहां से इसका ऑर्डर डिसाइड होता है अब देखो इसे बनाने के दो तरीके हैं डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड और सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आपको सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है ये एच या पी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये मेथड कहां पे लगाया जाता है यूज वेन म्यूचुअल कपलिंग म्यूचुअल कपलिंग इज प्रेजेंट बिटवीन टू ट्रांसमिशन लाइंस, दो लाइंस के बीच में अगर म्यूचुअल कपलिंग होगी ना तब इसका यूज किया जाता है अब यहां पे आपको क्या देखना है देखो अभी मैंने आपको बताया ना यहां पे हम लोग जो एलिमेंट्स डिफाइन किए हैं देखो वाइबस के अंदर दो तरह के एलिमेंट हैं आपके पास एक है बेटा डायगनल एलिमेंट डायगनल एलिमेंट के अंदर जैसे वाई आई आई है इसको ऐसे लिखते हैं आई आई बाय वी आई वेन वी जे जीरो। ये होती है शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस यहां ये जो करंट दिखा रहे हो ना आई आई ये क्या है ये आई बस का करेंट सोर्स है ये क्या है आई बस पे जो करेंट सोर्स लगा है वाई आई जे इज आई आई बाई वी जे वेन वी के इज जीरो के नॉट इक्वल टू जे भाई डिनोमिनेटर को थोड़ी ना जीरो कर दोगे अगर डिनोमिनेटर को जीरो कर दिया तो ये किसी काम का ही नहीं रह गया इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंस बेटा देखो अगर इनका लॉजिक समझोगे तो याद इसमें कुछ भी नहीं करना है मुझे कैसे याद है बताओ क्योंकि भाई मुझे पता है दो अलग अलग बसेस अगर हैं हैं तो उनके रेशो में ट्रांसफर वर्ड यूज करते हैं। और दोनों अगर सेम बसेस के पैरामीटर यानी करंट वोल्टेज एक ही बस पे देख रहे हो तो उसे ड्राइविंग पॉइंट कहते हैं क्यों ड्राइविंग पॉइंट क्योंकि जिस पॉइंट से नेटवर्क को ड्राइव कर रहे हो उसी पॉइंट पे वी और आई का रेशो ले रहे हो ट्रांसफर का क्या मतलब है कि एक पॉइंट का वोल्टेज दूसरे का करंट बन रहा है तो दैट कैरेक्टरिस्टिक इज गेटिंग ट्रांसफर्ड ठीक है अब डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है यहां पे डायरेक्टली नेटवर्क को देख के आप वाइबस बना सकते हो तो यहां पे हम ये कहते हैं डायगनल एलिमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एडमिटेंसेज सम ऑफ एडमिटेंसेज कनेक्टेड टू अ बस सम ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड टू अ बस एक बस से जितनी भी एडमिटेंस जुड़ी है सबका सम कहलाता है डायगनल एलिमेंट फिर आता है ऑफ डायगनल एलिमेंट इट इज नेगेटिव ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन टू बसेस ठीक है कनेक्टेड बिटवीन टू बसेस ये हो गया ऑफ डायगनल एलिमेंट लेकिन बेटा अगर अगर कोई भी दो बसेस आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो तो उनके करेस्पॉन्डिंग ऑफ डायगनल एलिमेंट होता है जीरो भाई मानस का कोई रिप्लाई कर दो क्योंकि ये रिप्लाई में पिछले दो महीने में कई बार दे चुका ठीक है इफ टू बसेस आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड

इसीलिए आपकी स्पार्स होती है अब देखो सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इसको बेटा आप इग्नोर कर दो इस पे मत जाओ क्योंकि ये काम नहीं आएगा एग्जाम के अंदर लेंदी मेथड होता है ये लेंदी मेथड होता है तो इसको जाने दो ये वैसे मैंने ना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के अंदर पढ़ाया हुआ है अगर किसी को कवर करना है दिस इज ओनली यूजफुल फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज मीन ठीक है तो ये मैंने कॉम्प्रीहेंसिव में कवर किया भाई गेट में भी नहीं आता बट अगर कभी ई एस सी मेन्स देने जाते हो तो वहां से कवर कर लेना ठीक है ठीक है ना अब आ जाते हैं बस इंपीडेंस मैट्रिक्स बस इंपीडेंस मैट्रिक्स बस इंपीडेंस मैट्रिक्स ये बताता है कि कैसे बस का या नोड का वोल्टेज बस के करंट पे डिपेंड करता है इट शोज द डिपेंडेंस डिपेंडेंस ऑफ बस वोल्टेज डिपेंडेंस ऑफ बस वोल्टेज ऑन बस करंट ऑन बस करंट ठीक है अब भाई यहां पे यहां पे क्या होगा कि ये जो जेड बस होता है दैट इज इनवर्स ऑफ वाई बस दैट बस इज इनवर्स ऑफ वाई बस मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आप चैट कर सकते हो दैट इज अंकित गेट अंकित गेट के नाम से है. तो ये जो जेड बस है भाई दैट इज द इनवर्स ऑफ वाई बस दैट इज द इनवर्स ऑफ वाई बस अब देखो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस ऑफ इच एंड एवरी बस ऑफ़ डायगनल एलिमेंट आर ट्रांसफर इम्पीडेंस आर द ट्रांसफर इम्पीडेंस ठीक है तो जैसे अभी हमने बोला था डायगनल एलिमेंट वाई बस के थे ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस ऑफ डायग्नल एलिमेंट थे ट्रांसफर एडमिटेंस सेम वे में इंपीडेंस मैट्रिक्स में डायग्नल एलिमेंट है ट्रांसफर इंपीडेंस सॉरी डायग्नल एलिमेंट इज ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस और ऑफ डायग्नल एलिमेंट है ट्रांसफर इंपीडेंस ट्रांसफर इंपीडेंस अब यहां पे देखो रिलेशन कैसा होता है ना मेरे भाई V1, V2 वी टू अपू वी एन जेड वन वन one two ये हुआ अब यहां पे जेड ये होता है वी आई बाई आई आई इसे कहते हैं ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस सबसे मजेदार बात ये होती है बेटा दैट इट इज इट सेल्फ वन इन इसीलिए जो है ना ये मैट्रिक्स फॉल्ट में यूज की जाती है क्योंकि यहां पे जो डायग्नल एलिमेंट्स हैं दे आर एक्चुअली हैव एन इन एम्पीडेंस वॉट आर दे दे आर है are they? They are तो यहां पे के नॉट इक्वल टू जे ओपन सर्किट ट्रांसफर इंपिडेंस ओपन सर्किट ट्रांसफर इंपीडेंस प्रारंभिक देखो यहां पे क्या होता है बेटा जैसे वाई बस बनाते हैं ना तो वहां पे डायरेक्ट मेथड है कि दो बसेस के बीच का एडमिटेंस ऑफ डायगनल में जाता है और बस और ग्राउंड के बीच का डायगनल वाले में चला जाता है लेकिन ऐसा ना जेड बस में नहीं है जेड बस की जो फॉर्मेशन की शुरुआत होती है वो उस एडमिटेंस से होती है जो बस और ग्राउंड के बीच में connected है 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 में ऐसी कोई condition required ही नहीं ठीक विश्वजीत देखो बेटा मैं कैसे बता सकता हूं कितना स्कोर करना पड़ेगा एक छोटी सी बात सोचो ना तो अभी हमें यह पता एचपीसीएल ने कैसा पेपर बनाया ना तो हमें यह पता कि बाकी के बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं भाई अगर मैंने तुम्हें बोल भी दिया कि 150 160 पे सिलेक्ट हो जाओगे ठीक है या मैंने बोल दिया चलो 130 पे तीस सिलेक्ट हो जाओगे सपोज तो बेटा होगा क्या मुझे बताओ कि भाई जब तक मैंने पेपर नहीं देखा बाकी बच्चों का परफॉर्मेंस नहीं पता साल दर साल आप जानते हो कॉम्पटिशन बदलता है जानते हो ना हर साल कॉम्पटिशन बढ़ता जाता है तो लास्ट ईयर टाइम पे क्या कट ऑफ गई थी और इस बार क्या कट ऑफ जाएगी इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है ठीक है इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिशन डिफरेंट है ना अब देखो गेट का पेपर आज की डेट में टफ भी बनता है ना तो भी बच्चे स्कोर कर लेते हैं क्यों कर लेते हैं क्योंकि नॉलेज अच्छी है तो कभी भी इस चीज पे भरोसा करके मत जाओ कि आज तक ये कट ऑफ रही है तो अगले साल भी यही कट ऑफ होगी एज सुन एज जैसे ही कंपटीशन या बच्चों का लेवल बढ़ता है तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली हाई होता है कट ऑफ ऑटोमेटिकली बढ़ती हैं समझ गए चलो तो बेटा देखो मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको यहां पे यह बताया कि इसके एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं अब यहां पे एक चीज समझो जेड बस इज अ फुल मैट्रिक्स यानी नो एलिमेंट इज जीरो ठीक है सेकेंडली जेड बस का जो ऑर्डर है दैट इज इक्वल टू एन क्रॉस एन एन इज द नंबर ऑफ बसेस ठीक है इसके बाद Z बस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स Y बस और Z बस दोनों ही जो होते हैं ना दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं यानी डायगनल के अबाउट दोनों के एलिमेंट आइडेंटिकल होते हैं अब यार देखो प्रॉब्लम क्या है ना हमें यहाँ पे ये यह लगता है कि Z बस का Z बस को निकाला जा सकता है Y बस के इन्वर्स से लेकिन इसमें एक समस्या है मान लो पावर सिस्टम के अंदर कोई भी स्लाइट मॉडिफ़िकेशन आया कोई भी स्लाइट मॉडिफ़िकेशन अगर पावर सिस्टम में हुआ तो आप पहले Z बस से जाओगे Y बस फिर करोगे Y बस को मॉडिफाई और फिर वापस आओगे Y बस से Z बस लंबा हो गया ना काम पहले वाई बस गए फिर मॉडिफाई किया फिर लौट के आए इतना नहीं करना होता इसीलिए जेड बस के अंदर हम पढ़ते हैं जेड बस कंस्ट्रक्शन या ये कह लो जेड बस मॉडिफिकेशन एल्गोरिथम ठीक है जेड बस मॉडिफिकेशन एल्गोरिथम तो डायरेक्टली जेड बस जो है ना वाई बस से नहीं करते हैं चेंज हम लोग इसको अलग से भी बना सकते हैं यूजिंग दिस एल्गोरिथम इस एल्गोरिथम में हम क्या कहते हैं कि अगर एक बार जेड बस बना ली तो अब पावर सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं देखो पहला चेंज आ सकता है एडिशन ऑफ न्यू बस भाई मान लो आप पावर सिस्टम का साइज बढ़ा रहे हो आपने एक नई बस सिस्टम के अंदर ऐड कर दिए अब ये नई बस दो जगह कनेक्टेड हो सकती है कनेक्टेड टू रेफरेंस ये जो नई बस आपने जोड़ी है हो सकता है रेफरेंस से कनेक्टेड हो दूसरा होता है कनेक्टेड टू एग्जिस्टिंग बस जो बस पहले से सिस्टम के अंदर प्रेजेंट थी क्या पता उससे कनेक्टेड हो कनेक्टेड टू एग्जिस्टिंग बस दूसरा हो सकता है एडिशन ऑफ न्यू ट्रांसमिशन लाइन एडिशन ऑफ न्यू ट्रांसमिशन लाइन ठीक है ये हो सकता है बिटवीन बस एंड रेफरेंस बस और रेफरेंस के बीच में ट्रांसमिशन लाइन या इंपीडेंस कह सकते हो बिटवीन टू बसेस अब आप ये सोचोगे कि सर बस और रेफरेंस के बीच में मैं क्यों ऐड करने लगा लाइन ठीक है मैं क्यों लाइन ऐड करने लगा बस और रेफरेंस के बीच में बेटा यहाँ लाइन ऐड नहीं की बस और रेफरेंस के बीच में एक इम्पिडेंस ऐड कर दी कैसे शंट कैपेसिटर शंट रिएक्टर ये सब कहाँ कनेक्टेड होते हैं बिटवीन बस एंड रेफरेंस अंकित बेटा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और पावर सिस्टम तैयार करना चाहते हो तो इस चैनल पे मैंने 87 लेक्चर्स डाले हुए हैं पावर सिस्टम के जिसमें कंप्लीट सिलेबस अलोंग विद प्रैक्टिस आपको कराया गया है तो देख डालो बेटा अगर उसको पूरा देख डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पावर सिस्टम सॉलिड हो जाएगा और रही बात स्ट्रैटेजी की तो स्ट्रैटेजी के मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं पावर सिस्टम के बस ऐसा सर्च कर लेना क्रिएट्रिक्स पावर सिस्टम स्ट्रेटजी ऐसा कर दो तो आपको वीडियो मिल जाएगा स्ट्रैटेजी वाला ठीक है और अगर आपको पूरा पावर सिस्टम तैयार करना है तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा किताब से करो किताब से क्या है ना कोर सब्जेक्ट करने टफ है नॉन कोर तो फिर भी एक बार को पढ़ के समझ सकते हैं बट कोर में दिक्कत आती है तो इसीलिए कोर के लिए हमेशा एक टीचर होना चाहिए और इस चैनल से बढ़िया टीचर आपको मिलेगा नहीं ये चैनल खुद में एक टीचर है समझ रहे हो ये आपको सारे सब्जेक्ट सिखाता है बेसिक से लेके एडवांस तक एक एक चीज सिखाता है अब देखो पहला केस ले रहे हैं एडिशन ऑफ न्यू बस टू रेफरेंस बस तो मैं आपको बस रिजा भाई मैं यहां डेरिवेशन नहीं कराऊंगा तो देखो एग्जिस्टिंग जेड बस कैसी होगी ये एन क्रॉस एन की होगी क्योंकि एन बस का नेटवर्क है ये आपकी एन बस की मैट्रिक्स आ गई एन क्रॉस एन अब भाई जब तुमने एक नई बस ऐड कर दी तो नंबर ऑफ बसेस क्या हो गई यहां पे एक नई बस ऐड करते ही नंबर ऑफ बसेस हो गई एन प्लस वन तो यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बढ़ना चाहिए मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बढ़ना चाहिए क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है बस क्रॉस बस अगर बस बढ़ गई तो ऑर्डर भी बढ़ेगा तो यहां मॉडिफाइड मैट्रिक्स कैसे आती है ठीक है भाई एक एक चीज मैं बेसिक से ही लेके चल रहा हूं बस इस कोर्स के अंदर ना मैं डेरिवेशन स्किप कर रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन तो पूछ ही नहीं जाएगी ये तो एग्जिस्टिंग बस आ गई अब ऑर्डर बढ़ाने का मतलब है एक रो और एक कॉलम बढ़ाना रेफरेंस होता है ग्राउंड सिंस कि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है तो आप जो कॉलम ऐड करोगे ना वो जीरोज का होगा और जो आप रो ऐड करोगे वो भी जीरोज की होगी और ये तो आप समझ सकते हो ना सिमेट्री है तो अगर लास्ट कॉलम जीरोस का है तो लास्ट रो भी किसकी होगी जीरोस की डायगनल पे आप ये वाली इंपिडेंस डालोगे दैट इज द न्यू इंपिडेंस जेड पी न्यू इंपीडेंस जेड पी देखो अब हो गया ना ऑर्डर एन प्लस वन क्रॉस एन प्लस वन हमने एक रो और एक कॉलम बढ़ा दी सिंपल है ठीक है आपने जीरोस क्यों यूज किए क्योंकि नई बस किससे कनेक्टेड है ग्राउंड से ग्राउंड का जीरो पोटेंशियल तो और आप यहां पे इसीलिए क्या लिखेंगे सारे जीरोस अब आ जाओ भाई न्यू बस कनेक्टेड टू एग्जिस्टिंग बस अब यहां ये जो केयत बस है केयत बस इज ऑलरेडी आ पार्ट ऑफ सिस्टम पार्ट ऑफ सिस्टम इसी वजह से के इज लेस देन n के जो है ना एन से छोटा है अब बात को समझना यहां पे क्या होगा कि भाई एग्जिस्टिंग लिख देता हूं पहले जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है ये बस कैसी होगी देखो ऐसे मैं आपको ना केथ कॉलम इसीलिए दिखाता चल रहा हूं कि आपको पता रहे आपको पता रहना चाहिए भाई बीच में भी ना एक केएथ वाली रो भी दिखा दो के वन के टू के के समझ रहे हो मैंने केएथ रो और केएथ कॉलम भी आपको दिखा दिया है अब जब आप नई बस जब आप नई बस ऐड कर रहे हो और किससे जोड़ के कर रहे हो किससे जोड़ के कर रहे हो एग्जिस्टिंग बस से जोड़ के कर रहे हो अगर आप नई बस को एग्जिस्टिंग बस से जोड़ के कर रहे हो तो मेरे बच्चों यहां पे कौन सी बस से जोड़ा है केएथ बस से तो सेंस वी हैव कनेक्टेड सेंस वी हैव कनेक्टेड न्यू बस टू केथ बस new bus to kth bus the new the new row or column that would be added that would be added would be would be के एथ ठीक है कौन सा होगा के एथ वाला होगा तो यहां पे क्या होगा देखो यहां पे जो मॉडिफाइड मैट्रिक्स आपको मिलेगी तो इसके अंदर देखो एग्जिस्टिंग एलिमेंट तो एज इट इज आ जाएंगे अब देखो जैसे ग्राउंड के चक्कर में आपने जो है ना जीरो का एक रो और कॉलम बना दिया था इस बार ऐसा मत करना इस बार क्या करो जो कॉलम आप बनाओगे ना नया वो आप बनाओगे केथ वाले कॉलम को कॉपी पेस्ट करके ये है ना केथ वाला कॉलम इसे कॉपी पेस्ट कर दो राइट में कट पेस्ट मत करना वहां से मत हटाना भाई वहां से नहीं हटाना है कॉपी पेस्ट करना है ठीक है ऐसी केयत वाली रो कॉपी पेस्ट होगी क्या होगी केयत वाली रो कॉपी पेस्ट होगी और लास्ट में ये जो नई इंपीडेंस है जेड बी ये भी आएगी और के के डायगनल के साथ में आएगी जेड के के प्लस जेड बी बन गया ना एन प्लस वन क्रॉस एन प्लस वन का ग्राउंड में क्यों नहीं आया जेड के के अगर ग्राउंड में लगाते भी तो भाई ग्राउंड का जेड के के जीरो होता जीरो प्लस जेड बी जेड भी तो बनता इसीलिए ग्राउंड में दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी समझ गए यहां तक समझ आ गया सभी लोगों को कैसे बनाना है जेड बस समझ में आया अब हमने दो केसेस देख लिए एक तो कनेक्टेड टू रेफरेंस एक कनेक्टेड टू एग्जिस्टिंग इस वाले केस से पिछला केस डिराइव हो जाएगा क्योंकि अगर रेफरेंस से जोड़ोगे तो सारे एलिमेंट जो एड हो रहे हैं दे विल बी जीरो एडिंग एन इंपिडेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग बस एंड रेफरेंस अब की बार देखो बस एड नहीं की है यहां पर हम क्या बोल रहे हैं न्यू बस इज नॉट एडेड इज नॉट एडेड सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट रिमेन सेम मस्ट रिमेन सेम तो ये जो है ना पी ये पी एन से छोटा है इसका मतलब है पी एथ बस इज पार्ट ऑफ एन बस पावर सिस्टम ये जो एन बस का पावर सिस्टम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है पी वाली बस इसी का हिस्सा है पी वाली बस बाहर से नहीं आई है ये एग्जिस्टिंग है अब यहां पे देखो क्या होता है तरीका बताता हूं Z न्यू इज इक्वल टू Z ओल्ड माइनस X X ट्रांसपोज प्लस Z पी पी प्लस जेड बी ठीक है जेड बी कह दो या जेड पी कह दो ठीक है यहां पे x क्या होता है बेटा x होता है आपका पीएथ कॉलम ऑफ एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स ये तो तरीका हो गया पूरी मैट्रिक्स निकालने का ठीक है यह तरीका हो गया आपका पूरी मैट्रिक्स निकालने का बेटा लेकिन अगर मैट्रिक्स का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आपको चाहिए कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आपको चाहिए जैसे मान लो आपको चाहिए भाई ए बी वाला एलिमेंट फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट क्या होता है कि जेड ए बी कोई एक एलिमेंट है जिसकी नई वैल्यू चाहिए तो इसका तरीका होता है जेड ए बी ओल्ड अब क्या करो ना ए में पी घुसा दो और ऐसे ए और बी के बीच में दो पी घुसा दिए तो नीचे जेड पी पी प्लस जेड पी ठीक है ये होता है क्या करना है हमें यहां पे ए और बी के बीच में दो पी डालने ए पी पी बी और फिर नीचे पी पी जैसे इसका एग्जाम्पल समझो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, इफ इंपीडेंस इज एडेड इफ इंपीडेंस इज एडेड टू बस थ्री मान लो आपने बस थ्री पे इंपीडेंस ऐड किए अगर आपको निकालना है जेड वन टू न्यू तो आप जेड वन टू की पुरानी वैल्यू लोगे वन और टू के बीच में दो बार थ्री डालोगे फिर नीचे जेड थ्री थ्री प्लस जेड पी ठीक है ये जो नई इंपीडेंस है पी, ये बात क्लियर है ये बात क्लियर है भाई अब लास्ट केस होता है एडिंग एन इंपिडेंस बिटवीन टू बसेस ठीक है तो केत एंड जेत आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बसेस ये ऑलरेडी सिस्टम का पार्ट है यानी कि जे एंड के आर लेस देन एन तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं अगर जेड बस नई चाहिए तो पुरानी वाली से कैसे निकालोगे जैसे Z X कह दो चलो यहाँ पे X क्या है X बेटा देखो ऐसे होता है अब जब दो बसेस के बीच में जोड़ रहे हो तो जे कॉलम माइनस Kth कॉलम पहले जब आपने Kth बस से जोड़ा था जब आपने Kth बस से जोड़ा था तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था X इज द Pth कॉलम ऑफ द एग्जिस्टिंग बस जब आपने Pth से जोड़ा था अब की बार दो के बीच में जोड़ा है तो दोनों कॉलम का डिफरेंस नहीं तो पिछली बार ऐसे समझ लो पीएथ और ग्राउंड का डिफरेंस था ग्राउंड के लिए तो सारी वैल्यू जीरो मानते हो तो पीएथ माइनस ग्राउंड इज एक्चुअली इक्वल टू तो पीएथ लेकिन यहाँ पे दो के बीच में है तो जे एथ माइनस के एथ आ जाएगा अब ये जेड एक्स क्या एक्स एक्स क्या है इसको ना ऐसे कर लूँ देखो तरीका बताता हूँ ईजी जे माइनस के स्क्वायर जे स्क्वायर यानी जे जे के स्क्वायर यानी के, के के माइनस टू जे के प्लस जो नई इंपीडेंस है जेड बी बी है ना हाँ ये जेड बी लिख लो ठीक है इस टाइप से ये शॉर्टकट है इसका कोई लॉजिक नहीं है बस तरीका बता रहा हूं ये शॉर्टकट है और यहां पे ना प्लस जेड बी भी आएगा ठीक है जेड जे माइनस के स्क्वायर प्लस जेड बी समझ आया शॉर्टकट में कैसे लिखोगे यहां पे इंडिविजुअल एलिमेंट के पीछे मत भागो इंडिविजुअल एलिमेंट निकालना बहुत लंबा पड़ जाता है इस मेथड में यही याद रखो पूरी मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं अब देखो क्या होता है जेडबस से हम लोग फॉल्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं जेडबस का मदद से क्या कर सकते हो फॉल्ट एनालिसिस तो यहां पर हम लोग दो चीजें करते हैं एक तो करेंट फॉल्ट का कितना आएगा और उसकी वजह से सिस्टम में वोल्टेजेस में क्या बदलाव आएगा जैसे मान लो कि थर्ड वाली बस पे फॉल्ट आया तो वहां कितना करंट जा रहा है ये निकालना है और थर्ड के अलावा जो सिस्टम में बची हुई वोल्टेजेस सॉरी बची हुई बसेज हैं उनका वोल्टेज कितना आ जाएगा नया दैट इज द चेंज इन सिस्टम बस वोल्टेज तो दो चीजें हम लोग निकाल रहे हैं एक तो करंट और एक चेंज इन द बस वोल्टेज अब देखो सिमेट्रिकल फॉल्ट और थ्री फेज फॉल्ट में ये एक फॉर्मूला होता है फॉल्ट करेंट का दैट इज द प्री फॉल्ट वोल्टेज ओवर जेड वन इक्वल एंड प्लस जेड एफ ये प्री फॉल्ट वोल्टेज का मतलब क्या होता है देखो इसका मतलब है इफ फॉल्ट ऑकर्स ऑन केथ बस देन वी प्री फॉल्ट

बिल्कुल बेटा नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा ठीक है चल अब मान लो आईएथ बस पे फॉल्ट आया तो ये जो इक्वलेंट इम्पिडेंस है ये कितना आएगा जेड आई आई जेड आई आई तो आईएथ बस पे अगर फॉल्ट आ रहा है तो इट विल बी जेड आई आई ये अच्छा क्वेश्चन पूछा शंकर ने यार ये वाला पॉइंट बताना रहेगा तुम लोगों को वाइबस में रुको पीछे चलते हैं मैं बता देता हूं थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं हाँ यहां पे बता देता हूं देखो यहां परसेंटेज स्पार सिटी पहले आपको क्लियर होनी चाहिए इट इज टोटल नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टू हंड्रेड परसेंट अब यहां पे नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने होते हैं दैट इज नंबर ऑफ डायग्नल एलिमेंट्स प्लस टू इन टू नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन नंबर ऑफ डायग्नल एलिमेंट होते हैं बसेस के बराबर प्लस टू टाइम्स द ट्रांसमिशन लाइन टू टाइम्स क्यों करते हैं ट्रांसमिशन लाइन का उसका एक सिंपल सा रीजन होता है कि भाई एक ट्रांसमिशन लाइन दो जगह दिखती है अगर एक ट्रांसमिशन लाइन वाई आई जे में आ रही है तो सिमेट्री के अनुसार वाई जे आई में भी आएगी तो वन लाइन कॉन्ट्रीब्यूट टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ठीक है हाँ तो देखो मैं क्या बता रहा था अगर आई एथ बस पे फॉल्ट हुआ है आई एथ बस पे फॉल्ट हुआ है तो Z1 वन विल बी द आई जेड वन इज एक्चुअली थेवेन इन एम्पिडेंस एट फॉल्टी बस तो इसीलिए तो हमें ये पसंद है मैट्रिक्स इसीलिए तो हमें Z बस पसंद है फॉल्ट के अंदर क्योंकि इसके डायग्नल एलिमेंट ऑटोमेटिकली क्या होते हैं थेवन इन ठीक है चेंज इन सिस्टम बस वोल्टेज तो देखो यहां पे क्या होता है वीजे न्यू वीजे ओल्ड तो यहां पे क्या है फॉल्ट आया है फॉल्ट कौन सी बस पे आया है केएथ बस पे एंड वी आर डिराइविंग मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ जे एथ बस वोल्टेज मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ जे एथ बस वोल्टेज ठीक है यहाँ पे वीके क्या है वीके इज द प्री फॉल्ट वोल्टेज ऑफ बस के अब ना यहाँ पे एक पैरामीटर और निकलता है कि अगर किसी बस से जनरेटर कनेक्टेड है तब वो कितना करंट सप्लाई करेगा ठीक है अगर इफ़ जनरेटर इज कनेक्टेड इफ़ जनरेटर इज कनेक्टेड टू जेथ बस देन करेंट सप्लाइड बाय जनरेटर करेंट सप्लाइड बाय जनरेटर ठीक है कितना करेंट सप्लाई करेगा जनरेटर वी जे ओल्ड माइनस वी जे न्यू ये तीन वैल्यूज निकाल सकते हो आप यहां से जे एक्स डी डबल डैश कौन कौन सी तीन वैल्यूज मैंने निकलवा दी भाई फॉल्ट करेंट बस वोल्टेज एंड करेंट डिलीवर्ड बाय जनरेटर फॉल्ट करेंट बस वोल्टेज एंड करेंट डिलीवर्ड बाय जनरेटर भाई करेंट सोर्स को मैनेज क्या करना है रन विद नॉलेज बल्कि करेंट सोर्स ही होना चाहिए वाई बस के लिए अगर वोल्टेज सोर्स होता है तो उसे पहले करेंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं देन इट इज यूज इन वाई बस अब क्वेश्चन पे आ जाओ भाई जल्दी जल्दी थ्री बस पावर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री ट्रांसमिशन लाइन बस एडमिटेंस मैट्रिक्स दे रखी है शंट कैपेसिटेंस को कंपेंसेट कर दिया पचास परसेंट जेड थ्री थ्री का नया वैल्यू पूछा है बताओ भाई क्या आएगा Z33 का नया वैल्यू आपसे पूछा है अगर शंट कैपेसिटेंस को 50 परसेंट कंपेंसेट कर दें चलो 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 कम ऑन एवरीबॉडी बी आ रहा है देखें एक बार देखो यहां पे क्या होता है सम ऑफ एलिमेंट्स इन आर ओ इज इक्वल टू एडमिटेंस बिटवीन बस एंड ग्राउंड तो देखो अगर आप थर्ड रो के एलिमेंट्स का सम करोगे तो y30 थ्री जीरो इज जे वन. तो इसका मतलब क्या हुआ अगर देखो ये थर्ड बस है तो यहां से एक एडमिटेंस आपकी जा रही है माइनस जे फोर सर माइनस क्यों लिया क्योंकि बेटा मुझे एक चीज का पता है कि ये जो ऑफ डायगनल वाले एलिमेंट होते, है होते हैं ना ये नेगेटिव ऑफ एडमिटेंस होते हैं यानी थ्री और वन के बीच की एडमिटेंस है माइनस जे फोर थ्री और टू के बीच की है माइनस जे फाइव और यहां पे आपका है जे वन अब बंधु आपने इसको कन्वर्ट कर दिया फिफ्टी परसेंट कंपेंसेट करके जे पॉइंट फाइव यह मत कहना सर जे पॉइंट फाइव कैसे हुआ कंपेंसेट करने का मतलब होता है कैंसिल करना पचास प्रतिशत अगर कैंसिल किया तो ये बचा जे पॉइंट फाइव अब मैं कहूंगा वाई थ्री थ्री न्यू कितना आएगा डायग्नल पे सबका सम आता है ना तो माइनस जे फाइव माइनस जे फोर प्लस जे पॉइंट फाइव तो माइनस जे एट पॉइंट फाइव ठीक है तो आंसर विल बी बी समझ में आ गया कैसे हुआ समझ में आया ना थर्ड वाली बस दो बसेस से कनेक्टेड है और एक एडमिटेंस उसके और ग्राउंड के बीच में थी चल अगला क्वेश्चन भाई अ थ्री बस पावर सिस्टम इज शोन इन द फिगर द डायगनल एलिमेंट्स आर गिवन अब पूछा है पी क्यू आर बताओ बहुत इजी क्वेश्चन है बनाओ जल्दी से कम ऑन एवरीबॉडी और अब जो है ना इसके बाद अगली क्लास अपनी शाम को होगी छः बजे प्लानट गेट चैनल पर वहाँ ए पावर चल रहा है ए पावर के दो लेक्चर हो चुके हैं उसको कवर कर लेना वहाँ मैंने रियल पावर बता दिया है और एपरेंट पावर बता दिया है अब मैं आज डिस्कशन करूँगा रिएक्टिव पावर के अराउंड ठीक है कि रिएक्टिव पावर का क्या महत्व है कैसे आती है क्या इसके पीछे रीज़न रहा इसे डिफाइन करने का सब चीज़ें देखेंगे एकदम ज़ीरो लेवल से रिएक्टिव पावर ठीक है चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है बी है देखें देखो y11 क्या होगा वन से जुड़ी सभी एडमिटेंसेस का सम तो यहां से आ गया सिमिलरली टू टू पे जाते तो पी और क्यू आता पंद्रह थ्री थ्री पे जाते तो Q और सॉरी P और आर आता सेवन है तो सेवन अब तीनों को ऐड कर लो तो तीनों में दो दो बार ये सब आ गए हैं बारह पंद्रह सत्ताईस और सात चौतीस थर्टी फोर तो वन बायपी प्लस वन बाई क्यू प्लस वन बाय आर तीनों का सम मिल गया सेवनटीन तीनों का सम मिल गया ना सेवनटीन अब क्या करो इसमें से पहली इक्वेशन घटाओ तो मिलेगा वन बाई पी इक्वल टू टू सॉरी फाइव इक्वल टू फाइव जिसका मतलब P इक्वल टू पॉइंट टू दूसरी इक्वेशन घटाओ Q और R कट गया सॉरी P और Q कट गया R बचा R आ गया पॉइंट फाइव तीसरी इक्वेशन घटाओ Q बच गया Q आ गया पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट वन पॉइंट फाइव बी आंसर विल बी बी समझ आया मैंने पहले तीनों का सम कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद मैंने क्या किया उसके बाद मैंने एक एक इक्वेशन को घटाते गया अगला देखो नॉर्मली जेड बस मैट्रिक्स स्पार्स फुल और यूनिट बताओ जल्दी से कौन सा लिंक नहीं खुल रहा प्रकर बताओ भाई क्या है फुल मैट्रिक्स बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया फुल मैट्रिक्स मैंने लिखवाया था ना इसका कोई एलिमेंट जीरो नहीं होता फॉर आ एन बस पावर सिस्टम साइज ऑफ वाई बस इज फटाफट फॉर आ एन बस पावर सिस्टम साइज ऑफ वाई बस इज फोर्थ क्वेश्चन कम ऑन अच्छा बेटा देखो कल से ना मेरा विद्युत में, में कल से मेरा शाम चार बजे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो रहा है शाम चार बजे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पांच दिन चलेगा क्वेश्चन पे लेंगे जम के स एन क्रॉस एन कल से शाम चार बजे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पांच दिन चलेगा और जम के क्वेश्चन कराए जाएंगे विच ऑफ दूस फॉर लोड फ्लो स्टडी लोड फ्लो में किसे यूज करते हैं भाई जल्दी बताओ इजी है लोड फ्लो में कौन सी मैट्रिक्स यूज होती है वॉच ऑन ऐप करने पर नहीं खुल रहा चलो ये वाला मैं एक बार टीम से पूछ लूंगा लिंक तो खुल रहा है मेरा भाई ऐप मेरे हाथ में थोड़ी है मेरे हाथ में मेरा लिंक है चलो अगला सम ऑफ द एलिमेंट इन रो आई इक्वल टू शंट एडमिटेंस कनेक्टेड टू आई इफ द समेशन इज जीरो दैट इंडिकेट्स देर इज नो अगर समेशन जीरो आ रहा है इट इंडिकेट्स दैट देर इज नो क्या आएगा बोलेंगे जल्दी से भाई फटाफट बताते चलो भाई टाइम तो लगाना ही नहीं है आज एकदम क्या रहे सी आएगा म्यूचुअल कपलिंग भी इग्नोर्ड होनी चाहिए सम जीरो होने के लिए ठीक है सम जीरो होने के लिए म्यूचुअल कपलिंग शुड बी जीरो अगला स्पार इज पॉइंट फोर नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इजी है बनाओ पांच बस की मैट्रिक्स है स्पार सिटी पॉइंट फोर है यानी परसेंटेज में नहीं है ये फ्रैक्शन में है जल्दी बताओ कितनी ट्रांसमिशन लाइन है भाई कितनी ट्रांसमिशन लाइन है कम ऑन एवरी वन अभी सिखाया इसका शंकर ने पूछा था एंड आई हैव एक्सप्लेन इट कल से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का विद्युत टू पॉइंट पावर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्रिहेंसिव की बात नहीं कर रहा हूं वो आएगा बाद में उसका मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूं कि इट विल कम डेट मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा लेकिन विद्युत टू पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं तो कल मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सवाल लगवाने वाला हूं ठीक है चलो बनाओ भाई फटाफट स्पार सिटी पॉइंट फोर है नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन देखें पॉइंट फोर नंबर ऑफ ये ध्यान रखना ऊपर जीरो एलिमेंट आते हैं ओवर टोटल एलिमेंट अब भाई टोटल एलिमेंट पांच बाय पांच की मैट्रिक्स होगी तो ये कितने आएंगे पच्चीस आएंगे ठीक है तो जीरो एलिमेंट हो गए दस तो नॉन जीरो कितने हो गए पच्चीस माइनस दस पंद्रह पंद्रह इक्वल टू डायगनल प्लस टू इन ट्रांसमिशन लाइन अब भाई पांच बाय पांच की मैट्रिक्स में पांच ही डायगनल होंगे ना तो ट्रांसमिशन लाइन कितनी हुई पांच बी ठीक है बी अगला देखो अ फोर बस मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ फोर ट्रांसमिशन लाइन पार्सिटी बताओ फोर बस मैट्रिक्स के अंदर फोर बस पावर सिस्टम में चार लाइन है स्पार्सिटी क्या होगी जल्दी बोलेंगे स्पार सिटी ऑन कम ऑन एवरीबडी क्वेश्चन नंबर के साथ साथ बताना आंसर हवा में मत पेला करो आंसर चलो जल्दी से बताओ अनिरुद्ध कह रहे हैं बी अनिरुद्ध कह रहे हैं ए बताओ मेरे भाई शंकर सर का लक्ष्य बैच का नेटवर्क इस सैटरडे से शाम साढ़े छह बजे वीकेंड्स पे चलेगा ए चलो तो यहां पे क्या होगा नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट ठीक है तो जीरो एलिमेंट इस टोटल टोटल आए चार माइ चार इंटू तो चार स्पार सिटी जीरो वाले एलिमेंट ओवर टोटल एलिमेंट पॉइंट टू फाइव ठीक है जीरो एलिमेंट बाय टोटल एलिमेंट दैट इज पॉइंट टू फाइव चलो भाई गौरव लक्ष्य बैच ही चल रहा है यार गेट 2022 के लिए तो एक ही बैच चला रहे हैं हम लोग यहां पे चैनल पे चैनल पे थोड़ी मल्टीपल बैचेस चलते हैं चैनल पे हर एग्जाम के लिए एक पर्टिकुलर बैच चलता है अब अन अकेडमी पे ऐसा है कि हर पंद्रह दिन में दस दिन में एक नया बैच आता है ताकि जो बच्चे उस समय पे ज्वाइन कर रहे हैं वो वहां से कंटिन्यू करें अब YouTube पे तो एक ही बैच है जो छूट गया वो रिकॉर्डेड देखो और जो आने वाला है वो लाइव देखो बिल्कुल कल पावर इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चन कराऊंगा शाम चार बजे ठीक है तो कल से आप लोगों की मैं तीन क्लासेस लूंगा डेली इस चैनल पे एक बारह बजे एक चार बजे और एक रात को दस बजे होता है अपना रात को दस बजे देखो डेली एक वीडियो आती है वो देखा जरूर करो यार तुम लोगों के लिए बनाता हूं एफर्ट डाल के क्या है बिल्कुल द वैल्यू ऑफ ऑफ डाइग्नल एलिमेंट इज विच इज कनेक्टेड बिटवीन बस आई है? बस आई एंड बस जे होना चाहिए था ठीक है चलो जाने दो हाँ शोन इन द गिवन फिगर है एप्टीट्यूड पढ़ा तो रहे हैं रोज अविनाश सर और कैसे पढ़ाएंगे एप्टीट्यूड बताओ रोज ही पढ़ा रहे हैं सुबह आठ बजे बताओ भाई फटाफट ये सारी इंपीडेंसेस हैं आपको एडमिटेंसेज के टर्म में कन्वर्ट करके Y22 बताना है बताएंगे भाई गुड आफ्टरनून देवाशीष जल्दी से बोलो यार सब लोग एक्सपेक्टेड एचपीसीएल एग्जाम मंथ यार जून एंड और जुलाई उससे पहले तो नहीं होगा चलो बताओ भाई कितना आ रहा है देखो सबको एडमिटेंस में कन्वर्ट कर लो रेसिप्रोकल लेके ठीक है आंसर विल बी डी जुलाई में गेट प्लस ई एस सी का सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन तो बेटा तीन सौ पैंसठ दिन रहता है जब मर्जी ले लो चलो अगला फॉर द वाई बस अ फोर बस सिस्टम गिवन इन पी यू कौन कौन सी बस में शंट एडमिटेंस है आदित्य बेटा पूरी पीडीएफ है बच्चों से डिस्कस कर लो आपस में गौरव बिल्कुल मैंने लास्ट ईयर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा पढ़ाया था यूट्यूब पे तो अगर आप हमारे चैनल का होम पेज देखोगे तो गेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन में चेक करना आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का फुल कोर्स मिलेगा और बहुत ही जल्द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट फुल कोर्स स्टार्ट होने वाला है क्या आ रहा है बताओ कौन कौन सी बस पे शंट एडमिटेंस है देखो सम करते चलो इसका सम कितना आ रहा है माइनस जे पॉइंट फाइव तो इस पे तो है इसका कितना आ रहा है माइनस जे वन पॉइंट फाइव इसका कितना आ रहा है जीरो और इसका भी कितना आ रहा है जीरो तो किस किस पे है वन एंड टू सी ठीक है भाई तो आज के लिए बच्चों यहीं तक रखेंगे हम लोग अब इसके बाद में आपको यह बताना चाह रहा हूं ट्वेल्थ ऑफ मे से नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं अन अकेडमी प्लस पे पीएसयू के लिए ईसी के इलेक्ट्रिकल के बैचेस चल रहे हैं पांच मई से स्टार्ट हो गए थे इलेक्ट्रिकल के तो दे आर ऑलरेडी रनिंग और बारह मई से स्टार्ट हो गए हैं ईसी के और ये नए बैचेस गेट दो के लिए स्टार्ट हुए हैं भाई फॉर गेट ट्वेंटी एंड गेट ट्वेंटी इसमें डिजिटल स्टार्ट किया है शंकर सर ने तो अगर आपको डिजिटल इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना है तो बेटा जरूर ज्वाइन करें इमिजिएटली कोड आप जानते हो अंकित ई अब 16 मई को हम करा रहे हैं भाई स्कॉलरशिप टेस्ट कब करा रहे हैं सर 16 मई को कब फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होगा अंकित ई कोड से आप एनरोल करना और 60 मिनट का टेस्ट होगा इसमें इलेक्ट्रिकल का फुल सिलेबस आएगा लेकिन एकदम बेसिक क्वेश्चन और इन बेसिक क्वेश्चन को लगाने के बाद अगर आप टॉप थ्री बच्चों में आते हो तो आपको हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगा ठीक है अंकित ई कोड के साथ आपका वन ईयर फीस होगा ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी फाइव एटीन मंथ थर्टी फोर सिक्स फिफ्टी एंड टू ईयर थर्टी नाइन सिक्स हंड्रेड ठीक है टू ईयर्स के लिए जाना पर मंथ फीस मिनिमम है और आप इसको विदाउट इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पे भी पे कर सकते हो रवि बेटा मेजरमेंट भी पूरा पढ़ा है यूट्यूब पे प्रमीत सर और रमन सर ने पढ़ाया था इसके अलावा देखो मेरे बच्चों अंकित ईएससी कोड के साथ जाते हो तो आपकी वन ईयर आइकॉनिक फीस होती है फोर्टी फाइव टू ट्वेंटी फाइव टू ईयर होती है सिक्सटी सिक्स सिक्स हंड्रेड अगेन बेटा गो विद टू ईयर्स ताकि आपकी पर मंथ फीस मिनिमम रहे और आप विदाउट इंटरेस्ट इसको दे पाएं और देखो ये मेरा अन अकेडमी प्रोफाइल है यहाँ पे आप मुझसे चैट कर सकते हो बाकी कोई सब्सक्रिप्शन की क्वेरी है कैसा लगा बहुत जल्द फिर से मिलेंगे आज शाम छह बजे प्लेनेट गेट पे विद पावर ऑफ एसी सर्किट्स थैंक यू एवरीबडी